नमस्कार, इंडिया टैप न्यूज में आपका स्वागत है। डीएम ने चुनाव को मद्देनजर विद्यालय प्रबंधकों के साथ की बैठक। बलिया जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टर सभागार में निर्वाचन में लगाए जाने वाले वाहनों के संबंध में बैठक की। बैठक में विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ उन्होंने वार्ता की और उनसे उनके स्कूल में वर्तमान समय में उपलब्ध वाहनों की संख्या और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रबंधकों ने बताया कि उनके स्कूल में पहले से ही गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें से कुछ छोटी मोटी कमी के कारण बंद पड़ी हुई हैं। जिलाधिकारी ने उनसे कहा कि सभी समस्याओं को दूर करके निर्वाचन तक सारी व्यवस्था ठीक कर ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, जिसके कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है और ड्राइवर भी छुट्टी पर चले गए हैं, तो उन्हें वापस बुलाकर उनके कार पर लगा दिया जाए। उन्होंने एआरटीओ अरुण कुमार राय को निर्देश दिए कि चुनाव के दिन तक सभी वाहन पूरी तरह ठीक हालत में मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में किसी भी ट्रक वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल बड़ी बसों और मिनी बसों का ही प्रयोग किया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने बारी बारी से सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से बात की। प्रबंधकों ने जिलाधिकारी से बसों में लगने वाले तेज खर्चे को ड्राइवरों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ता की समस्याओं से भी अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव के अतिरिक्त अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ऐसी है कि जो वाहन है उसमें बहुत ज्यादा जैसे फिटनेस के लिए हो रहा है सर, इंश्योरेंस के लिए हो रहा है, कुछ वाहनों का हम लोगों ने करा लिया, कुछ का अभी भी बाकी है सर। एक चीज मैं बता दूं आपको, मतलब आपकी समस्या है इसके पहले। आज की बैठक का उद्देश्य हमारा टैक्सेशन नहीं है, तो आप टैक्सेशन के पर्पज से क्या फॉर्मेलिटी पूरी करा पा रहे हो, टैक्स जमा करा पा रहे हो, नहीं करा पा रहे हो, या बाद में आप कराना चाहते हो, ये विषय बिल्कुल नहीं है। वाहन चला जाएगा, हाँ, वाहन को रेडी पोजिशन में रखिएगा ताकि हम इलेक्शन करा लें, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। बाकी आप जब आप चाहें तो करें।